कम टू बैक, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल थॉट्स में। बेसिक स्मार्ट मैथ कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो आइए लेक्चर की तरफ। मगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है, देखते हैं। ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ये हमारे पास दो सेट हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट योर लॉर्ज, ये कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये इसके क्या है, मेंबर्स हैं, रुकन हैं, ठीक है, और बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी, ठीक है, ये हमारे पास दो सेट है, इनके इंटरसेक्शन और यूनियन करने। अब सिंपल सी बात है कि यूनियन क्या है, यूनियन मीन्स तरतीबवार से रखना आपको, ठीक है, यूनियन का मतलब क्या हुआ है, तरतीबवार से रखना। मिसाल तौर हमारे पास जो है 2 3 है, ठीक है, इस तरतीबवार से रखने। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम, ठीक है, अगर किसी भी सेट में सेम नंबर हो उनको हम रखेंगे, वो हमारे क्या होंगे, इंटर सेक्शन। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ, ठीक है, पहले हम सॉल्व करते हैं यूनियन, यूनियन कैसे होगा, ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब तरतीब से रखें, देखें ए बी सी डी रख दें, ठीक है, ए बी सी डी। अब उसके बाद देखें जो बी सेट है उसमें देखते हैं हम, बी तो ऑलरेडी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, एफ नहीं है, एफ रखें, ठीक है, उसके बाद जी, जी रख दें, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक यूनियन, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, सेम आंसर आएगा, ठीक है, तो याद हमेशा रख लें कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। उसके बाद जो है इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, हमारे पास दो सेट है, ए और ए एंड बी है, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी दो सेट में सेम नंबर हो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये जो है इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब देखें ए में देखें और बी में, ए सेट में ए है, बी सेट में ए है, नहीं है तो हम ये इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है, बी ए सेट में है तो इसमें देखेंगे बी में, हाँ जी, बी ए सेट में भी मेंबर है और बी जो है सेट बी का भी मेंबर है, तो ये कितने, एक इंटरसेक्शन, ठीक है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो क्या हो गया, इंटरसेक्शन, ठीक है, मतलब सेम। अब देखें और एफ इसमें ऊपर नहीं है, जी जी ऊपर भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरसेक्शन। अब हमेशा बात थोड़ा समझने की करें कि ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ए को इंटरसेक्शन करें बी से या बी को इंटरसेक्शन करें ए से, जवाब आपका हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे ग्रेटर देन और लेस देन नेक्स्ट वीडियो में।